आपको ये जो बीच वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करोगे, लिखा हुआ है क्रिएट योर ऑन वॉलपेपर। अब ये इसका वॉलपेपर बना रहा है। यहाँ से ऊपर को पुल डाउन करूंगा और जिस भी ऐप में ले जाके अपनी फिंगर रोक दूंगा वो ऐप ओपन हो जाएगा। तो स्वागत है आपका एक और नई एक्साइटिंग वीडियो में, और गाइज वेलकम टू टेक इट जफर। तो गाइज एंड्रॉयड 13 और कलर ओएस 13 का अपडेट आ चुका है और कई सारे नए नए फीचर्स भी आए हैं, और आज हम ओप्पो के रेनो 8 के कई सारे फीचर्स जानने वाले हैं जो कि बिल्कुल चेंज हो गया। ये फ़ोन का बिल्कुल लेआउट चेंज है, सेटिंग सब कुछ चेंज हो चुकी है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है इस फ़ोन का बॉक्स, बाकी आपको दिखा रहा हूँ रेनो 8 का बॉक्स है। हम इसी पे आज इसी का कुछ हिडन फीचर्स जानने वाले हैं। तो गाइज वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं अब सीधे वीडियो की तरफ। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने फोन की स्क्रीन पर, और सबसे पहले मैं आपको अपना फोन का डिवाइस दिखाता हूँ, मतलब डिवाइस दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो ये है ओप्पो रेनो 8, और आज हम इसी डिवाइस के कुछ और हिडन फीचर्स जानेंगे जो कि एंड्रॉयड 13 में नए नए फीचर्स आए हुए हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले फीचर की अगर हम बात करें तो हमको जानना होगा सबसे पहले सेटिंग्स में, तो सेटिंग में चलता हूँ। उसके बाद आपको मैं पहले एक चीज़ बता दूँ कि पहले जो सेटिंग्स होती थी वो बिल्कुल मिक्स होती थी एक में, लेकिन अब क्या है उनको सेक्शन के हिसाब से बांट दिया गया। जैसे कि नेटवर्क वाला सेक्शन इधर है, वॉल पर डिस्प्ले नोटिफिकेशन वाला इस पर कर दिया गया, वो सेक्शन के हिसाब से बांट दिया गया इस पर, और ऐप्स वाले पासवर्ड प्राइवेसी वाले इस पर कर दिए, सेक्शन में अलग कर दिया उसको, और ये स्पेशल फीचर वेलबिंग कंट्रोल वाले इधर कर दिया, और बाकी अबाउट फोन का तो नीचे है ही। तो इस तरह से इसका सेटिंग्स का सेक्शन बांट दिया गया। अगर आपको कोई चीज़ देखना है तो आप अब बहुत ही आसानी से उसको सर्च कर पाओगे, पहले की तरह नहीं है कि उसको सब एक ही में मिक्स किया गया हो। और तो सबसे पहले मुझे लगा कि मैं सबसे पहले आपको सेटिंग्स के बारे में बताऊं, तभी आगे की वीडियो ज़्यादा सही से समझ में आएगी। तो सेटिंग्स के मामले में मुझे काफ़ी अच्छा लगा है ये। तो अब चलते हैं अपने फीचर नंबर 2 की तरफ। तो फीचर नंबर जो 2 हमारा है वो हमारे फोटोज़ वाले ऑप्शन से निकलता है, गैलरी वाले ऑप्शन में। तो सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ अपना फोटोज़ या गैलरी, तो ये मैंने ओपन किया। अब आपको यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन है यहाँ पे दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सेटिंग्स, आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे सेटिंग्स में कई सारे फीचर दिए गए, जैसे क्लाउड सिंक फॉर फोटो। यहाँ अगर आपने सेटअप किया तो आपकी फ़ोटो क्लाउड पे या आपके जो जीमेल वगैरह उस पे सेव हो सकती है, और यहाँ से आप जो अगर शॉर्ट्स करोगे तो ये फोटो का है ये तो काम करनी है। बाकी ऑटो प्ले वीडियोज़ विदाउट साउंड, जैसे कि ये इसको अगर मैं ऑन कर दूंगा तो आपका वीडियो जब आप गैलरी खोलोगे तो वीडियोज़ वो प्ले होने लगेंगे सारी एक साथ बिना साउंड के। ये भी चीज़ अगर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। बाकी प्राइवेसी प्रोटेक्शन में ये चीज़ है कि रिमूव लोकेशन रिमूव अदर प्रॉपर्टीज़। तो क्या है ये, अगर मैंने इसको ऑन कर दिया तो मैं कोई भी फोटो खींचूंगा कोई भी वीडियो बनाऊंगा तो उस पर डिटेल में जाके उसके लोकेशन नहीं लेगा। और रिमूव ये वाला जो है सेकंड वाला, अगर इसको मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ डिवाइस मॉडल कौन सा है और शटर साउंड स्पीड कुछ भी यहाँ पे नहीं आएगा, वो बिल्कुल ब्लैंक या बिल्कुल खाली होगा। ये चीज़ प्राइवेसी के लिए दी गई है। तो अगर और बात करूँ तो नेटवर्क परमिशन की है और सो हिडन एल्बम, बाकी वही चीज़ है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो गैलरी में ऐड किए गए हैं एंड्रॉयड 13 में। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ जो कि निकल के आता है हमारा नोटिफिकेशन लाइट से, जो कि एक और नया फीचर ऐड हुआ है। सबसे पहले सेटिंग्स में जाएंगे, उसके बाद वॉलपेपर एंड स्टाइल, जिसका नाम पहले पर्सनलाइजेशन था तो इसका नाम अब वॉलपेपर स्टाइल है, इस पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद हमको नीचे जाना है, एज लाइटिंग आपको इस पर क्लिक करना। यहाँ पे सब कुछ सेम है, लेकिन एक चीज़ जो ऐड की गई है वो ये है कि अब नोटिफिकेशन के साथ आपको जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो भी स्क्रीन पर दिखेगा, वो भी अगर आपका स्क्रीन ऑफ है तब भी वो चीज़ आपको दिखेगा, आप उसको देख सकते हो। तो ये चेंज इसका नया फीचर है कि आप यहाँ देख सकते हो म्यूजिक से अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो आपको वहाँ पे वो नोटिफिकेशन लाइट के साथ एज लाइट के साथ वो भी वहाँ पे आपको शो होता हुआ दिखेगा। तो ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल होगी अगर आपका फ़ोन कोई रखा हुआ है और नोटिफिकेशन आया तो वो आपको साथ में सब कुछ दिख जाएगा, एक ही बार में आपको फ़ोन ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। अब अगले फीचर की बात करें तो सबसे पहले फिर से हमको जाना है सेटिंग्स में, उसके बाद हमको जाना है वॉलपेपर एंड स्टाइल में। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, इसमें कई चीज़ ऐड किया गया है जैसे कि ये सब बिटमोजी और कैनवा और ये चीज़ डाला गया। उसके बाद एक ये चीज़ ये फीचर्स इसमें और दिए गए हैं जो कि क्लॉक स्टाइल और फोटो, और आप यहाँ से इसको भी सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ये भी फीचर एक नया फीचर दिया गया है, तो आप अगर चाहते हो तो आप इसको भी यहाँ से ऐड कर सकते हो। बाकी और भी फीचर हैं जो कि एक वीडियो में नहीं हो कर पाएंगे, अगर एक वीडियो में करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी जाएगी, तो मैं अगर आपको बताऊं तो आप यहाँ से इसको सब चेंज कर सकते हो। ये भी फीचर इसमें नया ऐड किया गया है। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो निकल जाता है हमारे नोटिफिकेशन पैनल से। और पहले क्या होता था कि अगर आप कोई मान लो कि म्यूज़िक सुन रहे हो और उसके बाद आपको उसको बंद करना है तो आपको जाके ऐप को ऑन करना पड़ता था, ओपन करना पड़ता था, उसके बाद ही आप उस म्यूज़िक सॉफ्टवेयर से उसको ऑफ़ कर पाते। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अगर मैं आपको दिखाऊँ कि मैं कोई म्यूज़िक ऐप ऑन करता हूँ,
जैसे कि मैंने इसको ओपन किया, अब क्या है, मैंने इसको ओपन कर दिया और यहाँ से चला गया बाहर। अब क्या होगा, वो म्यूजिक अगर चल रहा हो, प्ले हो रहा होगा, तो यहाँ पे वो शो होगा, जैसा कि अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने ओपन किया, उसके बाद वो चीज़ ऊपर यहाँ पे शो होगा, जैसा कि आप देख सकते हो। अब आप यहाँ से इसको आगे पीछे बढ़ा सकते हो, यहाँ से प्ले कर सकते हो, यहीं से इसको क्लोज भी कर सकते हो। तो ये भी एक शॉर्टकट टाइप आपको नोटिफिकेशन में, हर ऐप के ज़्यादातर ऐप्स में ये चीज़ दिया गया है, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फीचर पर। तो वो हमारा निकल जाता है मेनू से। तो सबसे पहले अपना मेनू खोल लेता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या ऑप्शन मिल रहा है, आपको मिल रहा है यहाँ पे एक मैनेज का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मिल रहा है शॉर्ट, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ से क्या होगा कि आपका नेम से सेट है, तो नेम से पूरा ए टू जेड जो होता है एक सीरियल वाइज ये सेट है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैंने इंस्टॉल टाइम कर दो, तो क्या होगा, जब जब आप जिस टाइम जिसको जितने टाइम से जिसके बाद जो ऐप आपने इंस्टॉल किया है वो चीज़ उस हिसाब से शो होगा। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, इंस्टॉल टाइम पे क्लिक किया, अब मैंने ये सारे सॉफ्टवेयर जैसे जैसे इंस्टॉल किए उसी हिसाब से इसने यहाँ पे सेट कर दिया। बाकी अगर मैं मैनेज में जाके वापस शॉर्ट में जाऊँ और मोस्ट यूज़ इसको कर दूंगा, तो जो सॉफ्टवेयर मैं इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो चीज़ यहाँ पे आ गया है। ये भी चीज़ है, अगर आप शॉर्ट करके इसको इस हिसाब से करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी मैं तो ए टू जेड मतलब सीरियल वाइज पूरा ए से जेड तक ही रखना चाहता हूँ, ये चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फीचर पर। तो सबसे पहले हमको जाना है सेटिंग्स में, उसके बाद हमको जाना है वॉलपेपर एंड स्टाइल वाले ऑप्शन में, इस पर उसके बाद आपको करना है स्क्रॉल डाउन। आपको यहाँ मिलेगा डिस्प्ले साइज का ऑप्शन जो कि नया आया है, और आप यहाँ से क्या कर सकते हो कि आप लार्ज करोगे तो आपका स्क्रीन लार्ज हो जाएगा, और स्टैंडर्ड स्मॉल, तो आप ये चीज़ समझ रहे हो क्या है। लेकिन इसमें करने से कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान। अगर लार्ज करोगे तो आपको थोड़ा चीज़ जूम होके मिलेगा, लेकिन कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जो अगर आपने उसको खोला, ओपन किया, तो वो चीज़ उसमें कट जाती है कई चीज़। तो जैसे कि यहाँ खोला तो यहाँ चीज़ अगर कोई लिखा है तो वो कट जाएगा। तो इस हिसाब से स्टैंडर्ड वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। स्मॉल पर भी ठीक है, लेकिन आप अगर लार्ज करते हो तो आप अगर कोई ऐप खोले या ओपन किया आपने, तो उसमें क्या होगा कि वो चीज़ वो स्क्रीन को कुछ दूर तक काट देगा। जैसे कोई चीज़ है आप यहाँ लिखा है तो ये स्क्रीन यहीं तक ऑप्शन आपको दिखेगा। तो ये चीज़ है, तो आपको मैं तो कहूँगा, रिकमेंड करूँगा आप स्टैंडर्ड पर रखो, स्टैंडर्ड पर वो ज़्यादा बेटर है, और मुझे स्टैंडर्ड वाला ज़्यादा ही कुछ बेटर लग रहा है। नेक्स्ट फीचर पर तो हमको फिर से जाना होगा सेटिंग्स में। तो सेटिंग्स में उसके बाद हमको फिर से जाना है वॉलपेपर एंड स्टाइल। आपको यहाँ पर जाने के बाद आपको मिलेगा फॉन्ट का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। इसमें भी कई चीज़ ऐड की गई है, जैसे कि अभी तक मैं इस पर कर रहा था यहाँ से नहीं होता था कुछ, लेकिन अब दिया गया। अगर आप यहाँ से अपना फॉन्ट चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप अब कर सकते हो, जैसा कि आप देख रहे हो। बाकी अपना फॉन्ट वेट भी आप यहां से चेक कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, और फॉन्ट साइज़ भी आप चेंज कर सकते हो। और आपको कई सारे फॉन्ट्स जो इसमें मिलेंगे इसके स्टोर में, वो भी आप यहां से इसका डाउनलोड कर सकते हो, और इस हिसाब से अपने हिसाब से आप इसको सेट करके रख सकते हो, जो कि अभी तक मुझे नहीं मिला था इसमें, क्योंकि पता नहीं किस लिए इसमें वो चीज़ भी नहीं दी गई थी। लेकिन अब की जो एंड्रॉयड 13 का अपडेट है, इसमें ये फीचर इसमें इन्होंने ऐड किया हुआ है, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया। चलते हैं अपने नेक्स्ट फीचर पर। तो हमको जाना है फिर से सेटिंग्स में, उसके बाद हमको जाना है वॉलपेपर वाले ऑप्शन में, वॉलपेपर एंड स्टाइल, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसा कि पहला ऑप्शन आपको मिल रहा है वॉलपेपर का, इसमें भी कुछ चेंजेस आए हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ लाइव वॉलपेपर, और यहाँ पे कुछ टाइप के वॉलपेपर, और बाकी आपका ऊपर जो वॉलपेपर होता ही है। आपको ये जो बीच वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करोगे, लिखा हुआ है क्रिएट योर ऑन वॉलपेपर, तो इसको भी आप क्या है कि इससे अपना वॉलपेपर आप खुद क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि ये गैलरी का ऑप्शन है, मैंने इस पर क्लिक किया। उसके बाद मैं अपने इस फोटो पे लूँगा इसको, और इसको कर दूंगा यहाँ से क्लिक। अब क्या होगा, ये चीज़ मेरे फोटो को देखकर ये वॉलपेपर बना रहा है, तो जैसा मेरा फोटो कलर था उसी हिसाब से इसने वॉलपेपर बना दिया, जो काफ़ी एडवांस फीचर है। देख सकते हो कि उस फोटो से इसने कितने सारे वॉलपेपर क्रिएट कर दिए, वो भी ऑफलाइन, नेट मेरा ऑफ है और कोई नेट मेरा ऑन नहीं है, लेकिन इसने ये चीज़ बना दी, काफ़ी अमेजिंग इसमें वॉलपेपर आपको देखने को मिलते हैं। और अगर मैं और भी आपको दिखाऊं, इस पर गया, उसके बाद मैंने इस फ़ोन को लिया, ये फ़ोन मैंने लिया, इस पर मैंने कर दिया क्लिक, अब ये इसका वॉलपेपर बना रहा है, आपको दिखाता हूँ। देख सकते हो कि उस फ़ोन से लेके इसने ऐसे वॉलपेपर क्रिएट कर दिए हैं, जो कि काफ़ी सही लगा मुझे सबसे अच्छा फीचर जो इसमें लगा है वो यही लगा है, वॉलपेपर क्रिएटिंग वाला, जो कि बिल्कुल आसान है, सिर्फ आपको एक क्लिक करना है, आपके वॉलपेपर खुद ब खुद बन के तैयार हो जाएंगे। लास्ट फीचर हमारा उन लोगों के लिए जो लोग फ़ोन को अपने एक हाथ से यूज़ करते हैं, कभी कभी होता है कि हम लोग अपने फ़ोन को एक हाथ से ही यूज़ कर पाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही एडवांस लेवल का फीचर जो इसमें अभी ऐड किया गया। हमको क्या करना है, सबसे पहले स्क्रीन पे करना है पिंच आउट, और उसके बाद आपको यहाँ पे करना है मोर, और मोर पे आपको कर देना है क्लिक। उसके बाद आपको यहाँ मिलेगा आइकन पुल डाउन जेस्चर, आपको उस पर क्लिक करना है, इसको कर देना है ऑन। इससे क्या होगा कि अगर मान लो मैंने इतने सारे ऐप्स रखे हुए हैं
और मैं इसको यहाँ से या यहाँ से, दोनों साइड से हो सकता है, यहाँ से ऊपर को पुल डाउन करूँगा और जिस भी ऐप में ले जाके अपनी फिंगर रोक दूंगा वो ऐप ओपन हो जाएगा। ये एक हाथ से आपके फ़ोन यूज़ करने के लिए बहुत ही अच्छा शॉर्टकट दे दिया गया एंड्रॉयड 13 के ऑप्शन में, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया है। इसको तो ऑन मैं करके ही यूज़ करूँगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम लोग एक हाथ से फ़ोन को यूज़ करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी सही चीज़ ये दी गई है। आपको एक हाथ से पकड़ के आपकी फिंगर वहाँ तक नहीं जा रही है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा यहाँ से अपने फ़ोन को यूज़ कर पाओगे। तो गाइज आपको ये सारे फीचर्स आई होप पसंद आए होंगे। हाँ, टॉप 10 जो मुझे अभी लगा मैंने आपको बताया, बाकी इसके बाद भी काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोज आने वाली हैं इसके फीचर्स में, एंड्रॉइड 13 कलर OS 13 के। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो या चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कमेंट करना, मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो फिर गाइस मिलते हैं किसी और नए एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।